गोरखपुर जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या विगत दिनों से कम मिल रही है। लगातार 3-4 दिनों से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो यह संख्या 200 से कम हो गई है। मरीजों की कम संख्या मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है। जिले में मंगलवार को जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक और एम्स के 2 डॉक्टर सहित 163 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,532 पहुंच गई है, जिसमें से 14,357 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब एक्टिव केसों की संख्या 1,905 रह गई है। अब तक कुल 270 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार विगत 24 घंटों के दौरान मंगलवार को किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को शहरी क्षेत्रों में 90, ग्रामीण क्षेत्रों में 56 और अन्य 17 मरीज विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के शाहपुर में सर्वाधिक 28, कैंट क्षेत्र में 27, राजघाट में 3, गोरखनाथ में 13, रामगढ़ताल में 4, तिवारीपुर में 4, कोतवाली में 5 और गुलेरिया क्षेत्र में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के ब्रह्मपुर में 1, गगहा में 1, पाली में 3, सरदारनगर में 4, कैंपियरगंज में 2, खजनी में 2, पिपराइज में 2, उरवा में 1, चरगावा में सर्वाधिक 22, खोराबार में 10 और सहजनवा में 8 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमित पाए गए मरीजों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से बचाव करना है तो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इसका आप अनुपालन करें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।